Hello dear students, I hope you all have written your exams very well. I wish for your excellent results. Well, now I am going to take your grade 8 Hindi lessons following the same textbook that is Sunehri Dhoop. Today going to take the first lesson. And yes, I am sure you all have subscribed to my channel. If not, kindly do subscribe. Thank you.

आइए पहले कवि परिचय भी जान लें पृष्ठ संख्या ग्यारह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी अठारह को वसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल के संभ्रांत परिवार में हुआ था इन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम छंदमुक्त काव्य की रचना की छंदमुक्त काव्य का अर्थ है जिसमें छंदों का लय तुक आदि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता अपनी कविता के जो भाव हैं जो व्यक्त करना कवि चाहते हैं उसके अनुसार वाक्य छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं कोई मात्रा छंद तुक लय का वहां पे कोई बंधन नहीं होता उसे मुक्त काव्य कहते हैं यह कविता जो आज हम पढ़ रहे हैं यह भी छंदमु मुक्त काव्य की ही एक उदाहरण है इन्होंने कविताओं के अतिरिक्त उपन्यास कहानियाँ आलोचनाएँ निबंध और संस्मरण भी लिखे हैं निराला की प्रमुख काव्य रचनाएँ अनामिका परिमल गीतिका आदि उपन्यास अप्सरा अलका प्रभावती आदि कहानी संग्रह लिली चतुरी चमार आदि हैं 15 अक्टूबर 1961 को उनका स्वर्गवास हो गया तो अब वापिस कविता पर आते हैं अब पहले यहां दिया गया कविता का परिचय पढ़ते हैं पृष्ठ संख्या आठ ईश्वर का सच्चा भक्त वही होता है जो अपने सभी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है भक्ति का सच्चा स्वरूप कर्म करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करने में निहित है भगवान विष्णु ने उस किसान को अपना प्रिय भक्त माना जो सुबह से शाम तक खेती करते हुए अपने सांसारिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करते हुए दिन में केवल तीन बार अपने ईष्ट देव के मधुर नाम का स्मरण करता है तो आगे है टॉमस फुल्लर का कथन निर्मल अंतकरण ही सर्वोत्तम ईश्वर है इसका तात्पर्य है कि यदि हमारा अंतकरण हमारा मन निर्मल है तो हम देवतुल्य हो जाते हैं अर्थात सच्चे निर्मल मन में ही ईश्वर का वास होता है अतः हमें अपने मन को सदैव निर्मल रखना चाहिए तो अब कविता पढ़ते हुए इसका अर्थ समझते हैं एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी नारद जी देवऋषि नारद जिन्हें हम नारद मुनि भी कहते हैं ये भगवान ब्रह्मा के पुत्र और भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं तो एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी पूछा मृत्युलोक में कौन है श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान तो उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु मृत्युलोक में अर्थात पृथ्वी पर आपका सबसे प्रमुख भक्त श्लोक का अर्थ है यशस्वी यशस्वी और प्रमुख भक्त कौन है पृथ्वी पर विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है प्राणों से भी प्रियतम तो विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि मेरे मेरा एक प्रिय प्राणों से भी अधिक प्रिय एक भक्त है जो कि एक किसान है उसकी परीक्षा लूँगा तो नारद जी ने कहा कि मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि उसमें क्या विशेषता है जो आपका वह सबसे प्रिय भक्त है हंसे विष्णु सुनकर यह तो उनकी यह बात सुनकर नारद जी की बात सुनकर विष्णु जी हंसने लगे कहा कि ले सकते हो उन्होंने कहा ठीक है ले ल, उसकी आप परीक्षा ले सकते हैं नारद जी चल दिए पहुँचे भक्त के यहाँ देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को दरवाजे पहुँच कर राम जी का नाम लिया स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर तो अब नारद जी परीक्षा लेने पहुंच जाते हैं पृथ्वी लोक पर तो क्या देखते हैं कि जो ये विष्णु जी का जो सबसे प्रिय भक्त जो कि एक किसान है उसको क्या कर रहा है कि वो, वो जब अपने खेत में हल जोत कर आया दोपहर को अपना मतलब दिन भर का सुबह से गया हुआ खेत पर और दोपहर को जब वापिस आता है किसान घर पर हल जोत कर तो दरवाजे पर पहुंचकर अपने घर के जो डोर था दरवाज़ा था वहाँ पहुँच उसने सबसे पहले अपने भगवान राम का नाम लिया मतलब तो उनका स्मरण किया फिर उसने अंदर जाकर स्नान किया मतलब हाथ मुँह धोया भोजन किया और फिर वापस काम पर चला गया शाम को आया दरवाज़े फिर नाम लिया प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया तो जो नारद जी हैं वह किसान की जो दिनचर्या है उसको ध्यान से देख रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि दोपहर तो को तो ना अपना भोजन करके जब किसान चला गया काम पर तो फिर शाम को जब फिर लौटा घर तो उसने वही फिर से वह वै, वैसे ही दरवाजे पर पहुँच कर घर के दरवाजे पर पहुँच कर अपने आराध्य का नाम लिया अपने भगवान का नाम लिया और उसके बाद अगली सुबह प्रातःकाल को जब फिर से वह अपने काम पर चलने लगा मतलब खेतों की ओर में काम करने के लिए जाने लगा तो उसने एक बार फिर अपने भगवान के मधुर नाम का स्मरण किया मतलब अपने भगवान को याद किया तो इस तरह से तीन बार उसने पूरे दिन में भगवान का नाम लिया बस केवल तीन बार नारद चकरा गए किंतु भगवान को किसान ही ये याद आया तो जब नारद जी ने किसान की पूरे दिन भर की जो दिनचर्या देखी तो उन्होंने क्या देखा कि ये तो दिन भर में केवल तीन बार ही भगवान को याद करता है तो इसलिए वो आश्चर्यचकित रह गए चकरा गए मतलब अचंभित रह गए आश्चर्यचकित रह गए कि मेरे भगवान विष्णु को यह किसान ही याद रहा जो केवल तीन बार ही उन्हें याद रखता है याद करता है गए विष्णु लोग बोले भगवान से देखा किसान को दिन भर में तीन बार नाम उसने लिया है तो अब नारद जी वापस विष्णु लोग पहुँचते हैं और भगवान से कहते हैं कि देखा किसान को कि मैंने आपके प्रिय भक्त किसान को देखा वह दिन भर में केवल तीन बार आपको स्मरण करता है मतलब आपका नाम लेता है बोले विष्णु नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता साधारण विषय यह बात को विवाद होगा तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए तब भगवान विष्णु ने क्या कहा नारद जी से कि नारद मतलब नार, जी मतलब वह विष्णु जी नारद जी के उत्तर को प्रश्न के उत्तर को थोड़ी देर के लिए टाल देते हैं और क्या कहते हैं नारद जी से कि मुझे एक अन्य आवश्यक कार्य याद हो आया है मतलब मुझे एक काम याद आया है जिसे तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता मतलब नारद जी ही कर सकते हैं साधारण विषय यह बात को विवाद होगा आ, मतलब उन्होंने कहा कि जो ये तुम्हारा ये जो प्रश्न है कि किसान ही मुझे प्रिय क्यों है इस पर हम बाद में विवाद कर लेंगे हम इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे यह तो एक साधारण सा विषय है तब तक उससे पहले आप यह मेरा जो दूसरा काम मैं आपको दे रहा हूं जो कि बहुत आवश्यक है उसे पहले पूरा कर दीजिए और काम क्या था तैल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की तो काम क्या दिया विष्णु जी ने नारद जी को तैल पूर्ण पात्र तैल मतलब तेल पूर्ण मतलब तेल से पूरा ऊपर तक भरा हुआ पात्र मतलब बर्तन तो उन्होंने एक छोटा सा पात्र दिया एक बर्तन दिया जो कि तेल से पूरी तरह से भरा था और विष्णु जी ने उन्हें कहा नाराजी से कि यह पात्र लेकर तेल से भरा यह पात्र लेकर आप पूरे भूमंडल की अर्थात पृथ्वी की एक प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा करके आइए ध्यान रहे सविशेष एक बूंद भी इससे तेल ना गिरने पाए और साथ में उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि इस बात का आपने विशेष रूप से सविशेष मतलब विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि इस पात्र से तेल की एक भी बूंद नीचे गिरने ना पाए मतलब बड़े सावधानी से आपने अपनी परिक्रमा पूरी धरती की परिक्रमा बड़ी ही सावधानी पूर्वक करनी है लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं तो अब नारद जी चल पड़े उस पात्र तेल से भरे पात्रों को लेकर और उनका ध्यान किस तरफ था कि जो उन्हें पूरा ध्यान उनका जो उन्होंने आदेश दिया था कि इस पात्र में से एक भी बूंद तेल की नीचे गिरने ना पाए तो पूरा ध्यान उसी की ओर था उनका और कुछ भी उन्हें अब समरण नहीं था केवल यही समरण था कि इस पात्र से कोई भी तेल की एक भी बूंद नीचे निकलने पाए तो योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं तो उल्लास मन में भरा था तब योगीराज मतलब ये नारद मुनि तो अब जल्दी से उन्होंने अपना पूरा विश्व पर्यटन मतलब पूरे संसार का भ्रमण किया जैसे कि विष्णु जी ने उनसे कहा था तो उन्होंने संसार का भ्रमण किया और वापस वैकुंठ मतलब विष्णु लोग पहुंच गए तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं और उस पात्र से उन्होंने एक बूंद भी तेल नीचे गिरने नहीं दिया तो उनके मन में बड़ा उल्लास भरा था मतलब मन में बड़ी प्रसन्नता थी यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया तो आप बड़े खुश थे कि मैंने भगवान विष्णु की आज्ञा का जैसे उन्होंने निर्देश दिया था मैंने पालन किया है अब वापिस जब उनके पास पहुंचूंगा और देखेंगे कि तेल मैंने नहीं गिरने दिया तो अब इस तेल का मुझे एक रहस्य पता चलेगा कोई भेद है, भेद है जो भगवान मुझे बताना चाहते हैं इस तेल का तो इसलिए उनका मन बड़ा प्रसन्नचित था बड़ा उल्लास से भरा था कि मुझे कुछ तेल का नया रहस्य अब मिल ज्ञात होने वाला है उस उसको लगता था कि इस तेल में कुछ विशेषता है नारद जी को लगता था कि कुछ विशेषता है इस तेल में जो मुझे इस तरह से उन्होंने इसको परिक्रमा करने के लिए तेल को लेकर परिक्रमा करने के लिए कहा है तो नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से अब जब नारद जी वापस आ गए तो भगवान विष्णु ने उन्हें बड़े प्यार से अपने पास बैठाया और कहा यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम ईष्ट का लिया तो अब वास्तव में विष्णु जी इस ढंग से नारद जी के प्रश्न का उत्तर देना चाहते थे तो उन्होंने जब वो उन्होंने तेल से भरा पात्र लेकर वापस आ जाते हैं परिक्रमा करके तो विष्णु जी कहते हैं नारद से ये लीजिए अब आपके जो प्रश्न आपने पूछा था कि किसान मुझे क्यों प्रिय है उसका उत्तर तो अब यहीं मिल गया कैसे कि जब तुम मेरा यह तेल से भरा पात्र लेकर परिक्रमा कर रहे थे तो पूरे इस यात्रा के दौरान अपने इष्ट का अपने भगवान का आपने कितनी बार नाम लिया एक बार भी नहीं तो नारद जी कहते हैं मैंने तो एक बार भी नहीं लिया शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से काम तुम्हारा ही था ध्यान उसी में लगा रहा नाम फिर क्या लेता और तो नारद जी ने कहा बड़े शंकित मतलब उनको बड़े संदेह से उन्होंने कहा कि मुझसे भगवान ऐसे क्यों प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कैसे ले सकता था नाम उन्हीं का दिया हुआ था काम था जिनका मैंने नाम लेना है भगवान विष्णु का मैंने नाम लेना है उन्होंने ही मुझे अपना ये काम दिया है तो मैं उन्हीं का तो काम कर रहा था तो अलग से उनका नाम क्यों लेता तो बड़े वो हैरान हो रहे हैं कि भगवान मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं उन्हें पता तो है मैं उन्हीं का काम कर रहा था तो फिर नाम लेने की क्या आवश्यकता है अलग से विष्णु ने कहा नारद उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है तो अब भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जिस तरह यह काम मैंने तुम्हें दिया था और तुम्हारा पूरा ध्यान इस तरफ ही लगा था कि मेरे निर्देशानुसार ध्यान पूर्वक उस पात्र को तेल से भरे पात्र को बिना तेल की एक बूंद गिराए वापस लाना है इसी प्रकार किसान भी जो कार्य करता है वह भी मैंने ही उसे दिया हुआ है उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ और केवल एक काम ही नहीं कि खेत में हल जोतना और भी बहुत सारे उत्तरदायित्व मतलब बहुत सी जिम्मेदारियां उसके सिर पर हैं मैंने लादी हुई मतलब बहुत से अन्य जिम्मेदारियां भी अपने परिवार की वह निभाता है एक साथ सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है इसी से है प्रियतम तो कहते हैं वह सारी उत्तरदायित्व जितने मैंने लादे हैं एक साथ सबको वह निभाता हुआ काम भी करता है उत्तरदायित्व भी निभाता है और फिर भी मेरा नाम भी लेता है मेरा नाम लेने के लिए भी समय निकाल लेता है इसीलिए वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है नारद लज्जित हुए कहा यह सत्य है तब नारद जी लज्जित हो गए शर्मिंदा हो गए कि बात भगवान ने बिल्कुल सही कही है उसने कहा कि हाँ भगवान आपने जो कहा बिल्कुल सत्य है तो इस पाठ से हमने यह सीखा कि यदि हम पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने दैनिक कर्तव्य निभाते हुए भी प्रभु को याद कर लेते हैं तो यह भी प्रभु भक्ति का ही एक स्वरूप है तो मिलते हैं अगली बार इस कविता के प्रश्नोत्तर व अभ्यास कार्य के साथ तब तक के लिए गुड बाय